Hello everyone, welcome back after a long time. So today I'm not here to discuss any particular chapter or a poem, but here I'm going to discuss a very, very important topic. And definitely this is not for the students only, but for their parents also. Actually, what is the topic of today here, which I want to discuss with most of the parents, those who are coming to me even of my school, that is how and why actually children fail to get success in their school performance. Kya reasons hain aise jis wajah se jo bacche hain, even the good students, wo cheez achieve nahi kar pate, wo school performance achieve nahi kar pate jisko wo deserve karte hain, even despite of the hard work. So actually bahut sare aapke फैक्टर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं. यू ऑल नो दैट इट्स अ कंबाइंड एफर्ट टू टीच अ स्टूडेंट, टू बिल्ड अप अ स्टूडेंट. इट्स अ कंबाइंड एफर्ट, कंबाइंड एफर्ट ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स. इफ पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट विल नॉट बी देयर, सो डेफिनेटली अलोन टीचर कांट डू एनीथिंग. एंड इट्स अ वाइस वर्सा, डेफिनेटली विदाउट टीचर्स वी कांट बिल्ड अप great personality, a strong personality. So both are the pillars, we can say both are the pillars of students life. जब भी हमें एक बच्चे का future build up करना है, we have to add up many things there. Somewhere we have to leave even our own comfort, we have to come out of our comfort zone to teach someone, to give a lesson to our students, to our own kids. एंड डेफिनेटली कहा भी जाता है कि जो आपका घर है वो आपका फर्स्ट स्कूल है. इन विच यू आर गेटिंग एडमिशन बाई गिविंग फी, दैट इज द सेकेंडरी वन ओनली. सो हियर इन दिस टॉपिक आई वॉन्ट टू डिस्कस फ्यू ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस ओनली, दैट वट इज द रीजन दैट डिस्पाइट डूइंग एवरी थिंग स्टूडेंट गेट फेल इन स्कूल परफॉर्मेंसेज. एंड कहीं ना कहीं जो है उनके मन में वो चीज़ रह जाती है. एंड इट अफेक्ट्स एक्चुअली देयर फ्यूचर, इट अफेक्ट्स देयर मोरल, इट अफेक्ट्स देयर कॉन्फिडेंस. सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक टुडे. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली आई वांटेड टू रेज, दैट इज लैक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड एब्सेंटिज्म. डेफिनेटली हर बच्चे को एक टाइम पे आके एक गार्जियन की ज़रूरत होती है. एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यूज टू बी क्वाइट इन्वॉल्व एंड डेफिनेटली इट यूज टू गिव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन देअर वार्ड्स फ्यूचर, ऑन देअर मेंटेलिटी. बट स्टिल सम आर देयर दोज हु आर बिजी इन देअर लाइफ एंड इन दिस वे एक्चुअली दे आर अनेबल टू गिव टाइम टू देअर चाइल्ड. एंड यही चीज़ होती है कि इस चीज़ का आपका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे पे जाता है. अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट, जस्ट इफ यू आर आस्किंग योर चाइल्ड वंस इन अ डे दैट व्हाट हैव यू डन इन योर क्लास, हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग और नॉट, जस्ट शो मी वेदर यू आर रीडिंग दैट और नॉट, जस्ट शो मी हाउ मच वर्क यू हैव डन, दैट इज इनफ. दैट इम्पैक्ट एक्चुअली विल बी टोटली पॉजिटिव ऑन योर वर्ड्स माइंड. एंड डेफिनेटली अ स्मॉल चाइल्ड, नॉट अ स्मॉल एक्चुअली they or every child whether of any age, they need their parents guidance. Even agar hum compare kare to bahut se bacche aise hain jinme jinki parents ki involvement rehti hai, although could be possible that their parents are actually not guide able to guide them in particular subject, but if they are asking them only कि आज क्या काम हुआ है, तुमने लर्न किया या नहीं, दीज आर द वेरी स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के मुंह से निकलते हैं, तो दैट इज एक्चुअली एक अच्छा इम्पैक्ट है बच्चे के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर, दैट समवन इज देयर हु इज स्टिल लीडिंग मी, समवन इज देयर ओवर मी. एंड सम पेरेंट्स आर देयर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स, दे आर ट्रांसफरिंग हेयर एंड देयर, सम आर लिविंग अपार्ट ड्यू टू एनी रीजन, वेदर दैट्स जॉब समथिंग एल्स. सो डेफिनेटली वो चीज़ जो है वो आपके बच्चे के माइंड को भी अफेक्ट करती है. इफ वी विल बी बिजी इन आर ओन लाइव्स, सो
डेफिनेटली व्हाट इज देयर, कि हम उसमें क्या चीज़ जा रही है, हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस, दे विल बी लाइक केयरलेस ओनली, दे विल बिकम केयरलेस बिकॉज दे नो कि कोई नहीं है उनको पूछने वाला वेदर दे विल डू समथिंग और नॉट. एंड पर्टिकुलरली इन एडोलसेंस वी हैव टू गिव अ चेक, नॉट इन अ नेगेटिव वे ऑफ कोर्स, इट्स नथिंग लाइक दैट, दैट वी हैव टू चेक देम सीक्रेटली, बट दैट इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मच नीडेड इन वेदर दैट इज स्टडी, वेदर इफ वी वॉन्ट टू टॉक टू देम फ्रीली ड्यूरिंग एनी टॉपिक रिगार्डिंग एनी टॉपिक वट एवर दे वॉन्ट टू डिस्कस. सो दैट पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इज एक्चुअली मच नीडेड. That is the most prominent reason that despite of having intelligence, despite of having everything, availability, everything, whatever they want, but still students are failed to get success. Just once give time to your ward, just ask them, make a routine for 1 week, just ask them daily and you will just start seeing the impact of that small, small questions from the next week only. Just give that much effort. The second reason may be the poor study skills. Although they are students only, they are children only, so often they don't have idea how to study. इसमें क्या होता है कि एक time पे आके बच्चे को ये feel होना शुरू हो जाता है कि now things are getting harder for me and now I can't take this. This topic is so much difficult. So what we have to do, हमें वो difficult word उसकी dictionary से out करना है. Just we have to teach him that you have to read once and you should be able to give the simple answers of particularly related to that topic. Why and what? These two words must be clear in his mind regarding that topic. अगर वो बच्चे छोटे छोटे points जो हैं उनको understand करके despite of showing that big concept to them, अगर वो easiest thing उस topic से pick कर कर और उसको answer करने के लिए able हो जाते हैं तो definitely further they will add up many things themselves. और ये चीज़ जो है उनके अंदर हमें एक्चुअली डेवलप करनी है. जस्ट टेल देम दैट नथिंग इज डिफिकल्ट, दैट इज इन देयर सिलेबस ओनली एंड दे कैन डू दैट. इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट इज डूइंग इन द क्लास, सो डेफिनेटली एवरीवन इन द क्लास, दोज हु आर सिटिंग, दोज हु आर लर्निंग, लिसनिंग देयर टीचर्स, दे ऑल आर एबल टू एक्चुअली लर्न एवरीथिंग. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को जो भी उनको समझ आ रहा है, सो एक्चुअली स्टडी स्किल डजंट मीन कि आपको कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है एंड यू हैव टू ग्रैब दैट ओनली. स्टडी स्किल मीन्स इफ यू आर एबल टू गेट 20-30% ऑफ दैट टॉपिक, मीन्स यू आर एबल टू गेट द होल टॉपिक ईजिली, यू आर एबल टू लर्न, इवन यू आर एबल टू टीच. दैट इज द थिंग. सो दैट स्टडी स्किल we have to actually imbibe, वो चीज़ हमें अपने बच्चों में डालनी है, उन्हें बताना है कि nothing is difficult, just pick the easiest point, just pick the easiest line of the paragraph even if you are relating with the language and if you are doing any scientific concepts, so pick that what is easy for you first of all and that relate that easiest skill with the other points whatever is given there. So that calls the study skills actually. Definitely a student will go from lowest to highest. ऐसा ही होता है. जब भी हम बच्चे को admission दिलाते हैं, we start with the alphabets and with the very basic things. Then study goes harder. And if we are reading a particular topic even, तो वहाँ पर भी same thing है. अगर आपको कोई भी topic जो है वो difficult लग रहा है तो definitely you will start with the basic one. Just pick up the easiest thing from the topic and then likewise you will go upper side. And the most prominent reason is lack of motivation. It could be from both sides, from teacher side also, from parent side also.
if lack of motivation is there, so children will actually definitely show lesser than. Actually, motivation is the thing which can do miracles. अगर आप अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग देम विद अदर चिल्ड्रन, अगर आप उनको मोटिवेट करते हैं, इफ यू विल जस्ट रियलाइज देम दैट दे हैव देयर बेस्ट एंड डेफिनेटली इफ दे विल यूज दैट बेस्ट सो दे विल गेट सक्सेस. अगर ये चीज इफ यू आर एबल टू पुट इन देयर हेड्स, दे विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन, अ सक्सेसफुल स्टूडेंट. Definitely, lack of motivation, it works somewhere in the schools also. Agar koi bhi teacher hai, despite on any particular topic, if he is in habit to demoralize the students again and again on every point, so definitely, kya hoga ki jo bache hai, wo se questions karne mein, ya apne aap ko inferior samajhna, is tarah ki क्वालिटीज ज्यादा इम्बाइब करेंगे इंस्टेड ऑफ दे विल नॉट ग्रूम देयर पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ द टीचर. एंड टीचर शुड बी लाइक अ मिरर ओनली, दैट वट एवर चिल्ड्रन वॉन्ट टू सी इन दैम दे शुड बी एबल टू सी, जो वो देखना चाहे वो दिख जाए उनको अपने टीचर में, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो मोटिवेशन इज द ओनली पॉइंट विच कैन ऑलमोस्ट वर्क 80%. अगर आपका बच्चा मेहनत करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं ले रहा है, मींस देयर इज लैक ऑफ मोटिवेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क ओवर दैट ओनली. सो देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स एंड आई फाउंड इट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट दैट आई शुड मेक अ वीडियो एंड आई शुड डिस्कस विद पेरेंट्स ऑल्सो. सो दैट्स वाई आई थॉट सो डेफिनेटली मैनी अदर थिंग्स आर देयर एंड आई वॉन्ट टू एक्चुअली डिस्कस with my experiences also. So today's video I am ending here only. Definitely part 2 I will come with and I will share with you people. Thank you.